हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे सिलाई मशीन की जो है ना सुई टूट जाती है या मुड़ जाती है तो उसको आप कैसे बदल सकते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको क्या नाम मैसेज आया है कि उन पर सुई लगानी नहीं आती, तो मैं आपको बताऊंगा मशीन की सुई टूट गई या मुड़ गई तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। देखिए हमारी जो सिलाई मशीन है ये देखे, ये मुड़ गई है और ये पटरी में लग के चल रही है। लेकिन अगर हम इसको चलाएंगे, ये देखो, अगर हम इसको अभी चलाएंगे तो क्या होगा, ये पटरी भी खराब कर देगी हमारी और जो है ना ये सुई भी गज की भी लाइन खराब हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे शुरू में क्या करेंगे, पैर खोल लेंगे। ये देखो ये हमने पैर खोल लिया है और अब देखो ये देखो सुई हमारी कहाँ जा रही है, ये देखो पटरी में। हमेशा याद रखना है कभी भी सुई हमारी जो हो अगर हम लगाते हैं तो पटरी के बीचों बीच आनी चाहिए, लेकिन ये पटरी में इधर लग रही है। देखो अगर हम इसको ऐसे ज्यादा देर तक चलाएंगे तो पटरी हमारी खराब हो जाएगी। ये देखो कहाँ लग रही है, क्योंकि ये मुड़ गई तो क्या करेंगे इसको खोल लेंगे। आपको सुई बदलने का आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको खोल लेंगे और ये देखो ये हमारी सुई टूटी हुई है, देखो ये ठीक है। तो इसको कहना एक साइड में रख देंगे और दूसरी सुई लेंगे। ये देखो ये दूसरी सुई, नई सुई लेंगे, ये 16 नंबर की सुई है, 16। ये देखो ये 16 नंबर की सुई है। तो इसका लगाने का आसान तरीका बताता हूँ आपको। ये देखो जो सुई होती है हमारी ये दो साइड से होती है। देखो एक साइड तो इसमें गड्ढा होता है और एक साइड में खांचा होता है। ये देखो ये इधर यहाँ पर खांचा है और एक साइड में गड्ढा है। तो लगाने का तरीका क्या होता है, इसका जो खांचे वाली साइड होती है ये हमेशा सामने रखनी होती है। ये यहाँ पर चुटकी में जैसे ये लगाएंगे तो ये सामने जो है ना हमारे खांचा आना चाहिए, और जो गड्ढे वाली साइड है ये पीछे होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो शटल की नोक है ना वो इस गड्ढे के यहाँ पर चलती है। ठीक है, अगर हम इसको उल्टी लगा देंगे तो हमारा शटल भी खराब हो सकता है और जो है ना हमारी पटरी भी खराब होगी और सिलाई भी अच्छी नहीं आएगी। तो सुई लगाने का सबसे आसान तरीका यह है जो है ना, इसको खांचे वाली साइड को ऐसे पकड़ेंगे और इसको चुटकी को खोल के ये सुई को, एक चीज और याद रखनी है, सुई को हमेशा ऊपर मिलानी है। जब भी सुई लगाएं तो इसको ऐसे, इसको कहना ऊपर की तरह ऐसे ऊपर फंसा लें ताकि जो है ना हमारी सुई ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, और इसको खांचे को देखेंगे कहाँ है हमारा। ये देखो ये ऐसे पकड़ेंगे और खांचा बिल्कुल बीच में करके, ये देखो जहाँ भी ये दिखे कि हमारी सुई बिल्कुल बीच में है, खांचा हमारे बीच में है, ये देखो। ठीक है, इसको धीरे धीरे घुमाकर बीच में कर लेंगे। ये देखो ये आ गए और सुई आपको यहाँ दिख रही होगी, ये देखो ऊपर मिल चुकी है बिल्कुल। ये देखो ये इसको ऊपर मिला देंगे ऐसे और चुटकी को टाइट करनी है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका हमें क्या करना है, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखो इसको खोल लेंगे और ये ऐसे मशीन को रख लेंगे और सामने जो है ना ये खांचा ये सामने होना चाहिए, और जो क्या नाम ये पीछे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये जो खांचे वाली साइड है ये हमारे सामने ऐसे आ जाएगी बिल्कुल, और जो गड्ढे वाली साइड है ये देखो ये पीछे गड्ढा है यहां पर और एक साइड में खांचा है। तो जो है ना इस खांचे को सामने कर लेंगे बिल्कुल यहां पे ऐसे, जहां भी ये दिखे कि हाँ बिल्कुल सामने आ चुका, ये देखो। ठीक है, और इसको यहीं पर टाइट कर देंगे जान लगा के ताकि हमारी सुई लूज ना पड़े। ये देखो इसको ऐसे चुटकी से ये ऐसे टाइट कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, और ये देखो ये हमारी सुई यहाँ बिल्कुल देखो हो गई बीच में बिल्कुल, सुराख के बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये देखो अब हमारी सुई बिल्कुल बीच में है। अब ये क्या नाम ना तो ये पटरी खराब करने की और ना ही शटल में लगने की। ठीक है, अब इसमें पैर को लगा देंगे, ये पैर ऊपर करेंगे इसका और इसको आसानी से टाइट कर देंगे। ये देखो इसके पैंच को भी हमेशा टाइट ही रखना है, क्योंकि चीज ऐसी होती है जब मोटर पे चलती है तेज तो क्या नाम इनका निकल के टूटने का डर रहता है। ये देखो चल गए हमारी पैर भी और सुई भी। तो ये मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया, आपकी मशीन की अगर सुई मुड़ जाती है टूट जाती है तो क्या है ना, ये देखो ये सुई
ये खांचे वाली साइड से हमेशा सामने रखनी है, और जो गड्ढे वाली साइड है ये पीछे रखनी है। ये देखो, ठीक है दोस्तों, आपको सुनील समझ में आ गई होगी कैसे लगानी है। तो दोस्तों अपनी मशीन को आप जो है ना ऐसे ही आसान आसान ट्रिक से जो है ना अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।